हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के उत्तर राज्यों में शादियां ज्यादातर रात में ही क्यों होती हैं? क्या रात में शादी करने का समय सही है? क्या हमें रात में शादी करनी चाहिए? चलिए जानते हैं इस तथ्य को कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, आपने देखा और सुना होगा कि रामायण और महाभारत में कहीं भी रात में शादी करने का कोई भी प्रचलन नहीं था, और किसी भी सनातनी कथा में देखा जाए तो शादी करने का शुभ मुहूर्त सुबह का ही होता है। द्रौपदी माता, कुंती माता, सीता माता और माँ पार्वती, इन सभी का विवाह सुबह के शुभ मुहूर्त में ही हुआ है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के राज्यों में दिन के समय ही शादी की जाती है। तो फिर भारत के उत्तरी राज्यों में रात में शादी क्यों, जबकि सनातन धर्म के अनुसार रात में मंगल कार्य करना वर्जित माना गया है और रात को राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि उत्तर भारत के सनातन धर्म के लोग रात में विवाह करने लगे? दरअसल, जब मुगल भारत में आ चुके थे तो मुस्लिम हमलावरों ने अपने हथियार के बल से भारत की सनातनी रियासत को तो बर्बाद किया ही, और साथ में सनातनी स्त्रियों को भी उठाकर ले जाते थे। और तो और, मुगलों के द्वारा सनातनी स्त्रियों के बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई थी, और मुगलों के डर से कुछ सनातनी लोगों ने अपनी स्त्रियों को घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। और इस प्रकार उत्तर भारत में पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उस समय दिन के समय शादी करने पर सनातनी स्त्रियों को मुगल सैनिक उठाकर ले जाते थे। इस अत्याचार से बचने के लिए दुल्ला भट्टी नाम के एक व्यक्ति ने हथियार उठाए और सबसे पहले रात में शादी करवाई। उस समय रात में ही विदाई हो जाती थी, जिससे कि मुगल सैनिकों के आतंक से बचा जा सके, और इस तरह सनातनी रात के अंधेरे में शादी करने लगे। और आज ही मुगलों के जाने के बाद हम उसी परंपरा को मानते हुए रात में शादी कर रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के अनुसार सही समय नहीं है।